तो आज भाई एक XMR वाला बंदा घिर चुका है दो ऑनर के बीच में, जो कि R5 के ऑनर है। और आज ऑनरशिप कंपैरिजन होगा अपने, एक तरफ अज्जू भाई खड़े हैं XMR कह रहा हूँ मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन लेके, और एक तरफ अपनी XMR नई वाली, और एक तरफ नित्तू की जो तकरीबन 3 सालों से चल रही है गाड़ी। आज एक टोटली कह सकते हो लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा गाड़ी का, रिव्यू नहीं ऑनरशिप रिव्यू होगा। और तीनों ही लोग पक्ष रखेंगे अपनी गाड़ी का कि क्यों उन्होंने XMR नहीं ली, क्योंकि इसने तो हाल फिलहाल ही में लिए। ये अपना एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देता जाएगा, बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन मारता जाएगा। और आज भाई बहुत बुरी तरह फंस गए अपने, ये भाई अब खुन्नस भरेंगे ना तुम्हारे अंदर। सबसे पहले भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा संजय भाई, आप इस गाड़ी की तरफ क्यों गए? क्योंकि जिसका भी 2 लाख का प्राइस ब्रैकेट है वो हमेशा MT15 पे जाएगा, मतलब आज के टाइम पे R5 पे जाएगा। तुम्हारे मन में भी आई थी R5 की एक बार के लिए, है ना, या फिर RS 200 की तरफ जाएगा? और XMR तो चलो लॉन्च नई हुई थी, उससे पहले का क्या फीडबैक था? सीधी बात है, बुलेट, स्प्लेंडर और R5 ये कॉमन है इंडिया में, ये सबकी जगह कॉमन है, फैमिलियर वो है। ये लेने वाले मतलब जो है ना कह रहे क्या लेनी, R5 लेनी है, 150 cc का इंजन है, माइलेज मिल जाती है 45 की, और ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, कोई नहीं अगर 30 की माइलेज। अच्छा सोच समझ के बोलेंगे, ज्यादा उल्टा बोला तो पीछे से दो वो भी आएंगे, वार आएंगे वार। अच्छा ये क्यों नहीं ली, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये इसके लिए नहीं ली क्योंकि ये पड़ रही थी 230 की। अच्छा, और ये पड़ी मेरे को 2 के अलग पेटे में। सिर्फ बजट का ही पंगा था? बजट का ही नहीं था, एक क्या था कि एक नया कॉन्सेप्ट था इसका, लेके मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आता है ना तो उसकी तरफ ज्यादा जाया जाता है। अब ये पुरानी हो गई ना, अब यहाँ भी देखो ये अभी नई है, ये नई है, है ये अभी आई है। हाँ। वो 3 साल पुरानी, क्या चेंज है? कलर बहुत दिन, ग्राफिक्स चेंज है भाई, ग्राफिक्स चेंज है, उधर पूरा ग्राफिक चेंज कर दी ना। वो तो खैर हैंडमेड है, वो तो प्रोजेक्ट एक पूरा, उस पर भी आएंगे। चलो अभी वो उस पर भी आएंगे नित्तू पे। अज्जू भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अपने ग्रुप में सारी R5 है, 7 R5 है अपने पास, उसके बावजूद भी R5 पे जाना क्यों हुआ? आप RS 200 का तो आपने बता दिया लास्ट वीडियो में कि मैं उसकी तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि आपको वो पसंद ही नहीं है। XMR तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, प्राइस में भी आ रहा है, माइलेज भी अच्छी मिल रही है, बजट फ्रेंडली है, यही सारे आपके पॉइंट ऑफ व्यू थे लेने से पहले कि मेरे को बजट भी चाहिए, मेरे बजट में भी आ जाए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो, उसके लुक्स भी अच्छे हो, और साथ ही साथ उसके खर्चे भी कम हो और माइलेज भी अच्छी हो, और समय टूर वगैरह भी कर पाऊँ, तो वो सारी चीजें इसके अंदर फुलफिल होती है। आपने क्यों लेफ्ट करी? मैं बता दूंगा इसके मेन मेरे लिए ना, मतलब 2 रीजन देखने को मिलते थे मेन। सबसे पहला इसकी सीट हाइट। हाँ भाई सीट हाइट मतलब इसको बोलते हैं 810 mm, ये 815 mm, लेकिन फिर भी जब अगर हम रियलिटी में बात, प्रैक्टिकल लाइफ में वो ऊंची है भाई, वो ऊंची है, पहला रीजन ये। पर आपने तो कहा था ऊंची नीचे से मुझे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आपने ड्यूक भी चला रखी है। मैं बता रहा हूं भाई इतने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक चीज है ना कि अगर अपने को लॉन्ग टर्म गर्ल चाहिए तो कोशिश ये होती है कि भाई ऐसी बाइक लो जिसको आप हर जगह चला सकते हो, इसको चला सकते हो। अच्छा दूसरी चीज भाई जो मेन रीजन, आप उसको हर जगह नहीं चला सकते भाई, पता है ऑफ रोडिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी भाई, उसमें इसमें नहीं आती, इसमें भी आएगी, इसमें नहीं आती। क्यों? इसमें मैंने ट्राई किया, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आती, लेकिन नहीं आती। उसमें आपने ट्राई नहीं किया? नहीं मैंने, मैंने भी किया, दिक्कत होगी ये ज्यादा इजी। अभी मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था जब गाड़ी कितनी ज्यादा गंदी हुई थी, वो ऑफ रोडिंग के बराबर की हो गई थी, बल्कि ये ज्यादा एग्रेसिव है, इसमें आपके ज्यादा हाथ में दर्द होने के चांसेस है। भाई एग्रेसिव तो मेरे को चाहिए थी ना। हां वो भी एग्रेसिव है, पर वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कम है नीचे। और आनंद भाई तो रुक जाओ भाई, दूसरा रीजन ही तो मेन है, दूसरा चलो कोई बात नहीं है, तो हाइट आ गई है तो मेरी कमी आ गई, दूसरी बाइक की कमी बता भाई जरा एक बार। अब आ गए भाई अज्जू फॉर्म में, नहीं तो तू भी आ जा भाई, बता दे जरा, तू तो जच्चे जानता है। इधर एक बार ज़ूम करके दिखाओ भाई, डेंटिंग पेंटिंग ठोक दी क्या भाई तुमने, ठोक दी क्या या ऐसी आती है? अब वो भी दिखा रहे हो तो ये भी तो देखो ना, यहाँ कवर हो गया तो ये छुपा ये हल्का फुल्का है, इस पे अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल वगैरह वो कर रहे हैं ना, यहाँ पे पैर आया था इतना ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन उसमें भाई एकदम क्लियर क्लियर दिखता है। भी नहीं दिखता, तुम्हारी खुद की वीडियो देखी मैंने, इतना थोड़ी ना क्या यार तुम भाई, पूरा दिखता है। तुमने ना बता के गलती कर दी, पहले नहीं दिखता था वो, तुमने बता दिया ना कि इसमें ये है, तो अब वो सबकी नजर वहीं जाती है। अच्छा यही एक रीजन था कि और भी कुछ मैं बता रहा हूँ भाई, वायरिंग हाँ। सारी की सारी इसकी ओपन दिखती है, हाँ, विजिबल है वो तो, हम मैं भी एग्री करूंगा। एक और भाई एक और बात करी जाए भाई इसकी, ये सामने तो भाई मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, अज्जू धोती किस लिए, अज्जू धोती खोल रहा है भाई, किस लिए भाई अज्जू धोती खोल रहा है, इससे होता क्या मेरे को ये तो बताओ भाई। अच्छा पावर
पावर का नहीं खाओगे? पावर नो डाउट इसके अंदर है। देखो RS 200 जैसी आपको पावर मिल रही है, कहीं ना कहीं ड्रैग रेस में भाई ये सबको खा रही है, RC 200 को, सबको। हाँ मिड में छोड़ती ना, टॉप एंड में छोड़ती। हमने तो करीबी है उसके, तो यूट्यूब चैनल पे भी तो लपेट दिया। आरन भाई को भी लपेट, आरन भाई को तो कहीं ना कहीं पीछे भी आरन भाई बता रहे हैं। नहीं ये बात ठीक है, 155 सीसी का इंजन है, पर प्राइस ब्रैकेट में वो सस्ती है भाई। इसका जैसे एक तरीके से अगर बात करी जाए ना इंजन की, तो भाई बहुत एक तरीके रिफाइंड टाइप से मेरे को लगता है। चलो नित्तू एक मिनट, एक मिनट, पूरी हिस्ट्री खुलेगी नित्तू, तू बता कर आज के टाइम पे तुझे R15 लेती है? टू बी ऑनेस्ट, सच क्लियर जवाब, क्लियर जवाब चाहिए, कोई बायस नहीं चाहिए। इन दोनों गाड़ियों के सामने खड़ी है, तेरा प्राइस ब्रैकेट 2 लाख के अराउंड है, सिर्फ 2 लाख है, तू एक्सटेंड करके उसकी तरफ जाना चाहेगा, मतलब 10-20 हज़ार रुपये इतना मैटर नहीं करता जब गाड़ी लेने जाते हैं, क्योंकि किस्त बन रही है, जब किस्तें बनेंगी तो वो 2 महीने की फालतू बन जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों में से कौन सी पिकअप करेगा? मैं तो देखो RS ओनर भी था, हाँ। मैंने उसको लेने का मेरा मेन रीजन था पावर। हाँ। फीचर्स क्या है ना, मुझे उतने फीचर देखो पर्सनली बताऊं तो मेरे को R5 के भी बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो कि यूजलेस लगते हैं। बहुत से क्या, शिफ्टर के अलावा हमारे कोई काम का नहीं है, क्विक शिफ्टर के अलावा कोई काम करनी है, और एक बस एक अच्छी चीज है स्लीपर क्लच। स्लीपर क्लच, बट इस बाइक में भी भाई सब कुछ, इसमें भी सब कुछ है, कुछ भी बख्शा नहीं है, कुछ भी नहीं बख्शा। बस मेरे को ये चीज लगी कि जैसे इन्होंने जो कॉन्सेप्ट, मुद्दे पे आओ भाई, मुद्दे पे कौन सी पिकअप करोगे? देखो भाई अगर वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मेरा बजट कम है, डेफिनेटली इसकी तरफ जाऊंगा। एक बता, एक बता, ये सब सारी चीजें छोड़ दे, प्राइस बता दिया, वैल्यू फॉर मनी सब छोड़ो। RS बजाज के साथ एक्सपीरियंस खराब था, मैं इसलिए इंडियन ब्रांड पे भरोसा नहीं कर सकता जो मेरे साथ है, तो इसलिए मैं इसकी तरफ नहीं जाता। आप R15 लेंगे 2,30,000 रुपए में या 20,000 रुपए में XMR को छोड़ के, सिर्फ इंडियन ब्रांड की वजह से या कोई और भी रीजन? इंडियन ब्रांड में ना तुम कितना ही वो कर लो, कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी ना तो बहुत चिकचिकबाजी होती है, जो मैं झेल चुका हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, थोड़ी सी भीड़ भड़क का भी ज्यादा। आज जो अभी रिसेंटली नया नया आया R15 को लेके, वरना पहले ड्यूक चलाता था, इन भाई ने अभी 4 महीने पहले लिए, इन दोनों को हटा देता साइड में, तुझे तकरीबन 3 साल हो गए, क्या लगता है कि ये बजट फ्रेंडली है लेने के बाद? नहीं है, नहीं है ना, ये थोड़ा सा मिथ में क्लियर करना चाहता हूँ। इसके साथ सीन ये है कि भाई इसमें जो फीचर्स दिए ना वो है यूजलेस। हाँ। वो लेकिन पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। अभी ये तो है नहीं कि टीसीएस हटा दो तो 5,000 कट गए भाई, इसका ब्लूटूथ वो किसी काम का नहीं है। स्टिकर तक हटा दिया मैंने, स्टिकर हमने भी हटा दिया, ये देखो ना कवर अप कर रखा है इसने, किसी काम का नहीं है। आज तक टीसीएस हम कभी यूज नहीं करते हैं, हटा दो भाई, उसका कोई फायदा नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो चलो इसके अंदर है, वो तो TCC हो गया, ये जो इसका लैप टाइमर लैप है, वो सारी चीजें कहा है हमका ट्रैक शुरू की बकलोली होती है, बस कुछ भी नहीं है। उसके बाद सिर्फ बाइक में सिर्फ एक चीज चला पड़ती है, वो है पावर की, आपकी बाइक कितनी भग रही है, कितनी नहीं भग रही, तो मतलब अगर इसकी जब पेड सर्विस शुरू हो जाती है 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद, खर्चा कराती है ना अच्छा खासा, है ना? ये खर्चा बहुत करा, हमारी लास्ट सर्विस भी 6-7 हज़ार की हुई थी। हम लोगों को ऐसा लगता है कि खर्चा नहीं कराती, अगर ये गाड़ी ठुकी तो आपको बाहर से दिखेगा कि ये पैनल तो टूटा है, जब अंदर घुसोगे ना तो प्लास्टिक बॉडी भाई, इसके अंदर के भी पैनल टूट जाते हैं, बहुत नाजुक कली है ये। अज्जू भाई अब आप पे आते हैं, चलो चलो अज्जू भाई पे बाद में आते हैं। आपका भाई फीडबैक मैंने जाना था अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, आपका बहुत ना थोड़ा सा मिक्सचर वाला वो आया था, जो चीज मैंने तुम्हें बोली कि इंडियन ब्रांड के साथ क्या होता है, आप नई बाइक लेकर क्या, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, मेरे को लगता है जब मैं बाइक लाया मैंने सिवाय सर्विस के आज तक मैं कभी जल्दी नहीं गया। हाँ। शुरू 4 महीने में नई बाइक लेते ही ले शोरूम वीडियो देखो, अभी भी भाई RPM में थोड़ी सी वीडियो पूरी पूरी है, मैं 3 चीजें गिनवा देता हूँ। RPM में थोड़ी बहुत अनस्टेबलनेस है अभी भी, टैंक में थोड़ी सी आप कहते आवाज आती है, अलग से हिलने लग गया था क्या, अभी जो बता रहे थे कि वो टैंक है ना जो पेट्रोल का सेंसर होता बताने का, हाँ वो हो गया था वो चेंज। और ये जितना मर्जी टाइट कर लो अभी भी बहुत टाइट है, ये तो यूजलेस है, टाइट ये है। और कंपनी का जो फीडबैक आपने बताया था कि जो लोग हैं इसको ठीक करने वाले, स्पेशली करिश्मा को ठीक करने वाले, वो भी पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है, 4 महीने हो गए स्प्लेंडर करने वाले ना इसलिए। हाँ, अब इस पे आपका क्या कहना है, क्या टिप्पणी है? R1 भी लेकर के जाएगा, ये ब्रांड रखना है RS 100 वाले अब ये बताएंगे हमें 150 सीसी वाले। एक बटन खोल लो फिर बात में बाजी चढ़ा लो, बोलो पहली बात। देखो 2 लाख के अंदर मुझे वो चीज मिली जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि जैसे? दिल्ली में सबसे पहले लेकर आए। हाँ, ये चीज तो है, कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया, चैनल मोनेटाइज हो गया।
हमारे थ्रू मतलब हम लोगों के थ्रू सबको पता चला कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, बिल्कुल क्या नहीं है, ड्रैग रेस दिक्कतें ज्यादा पता चली, दिक्कतें जो चाहिए लोगों को एक्चुअल में लिखकर लोगों में क्या नेगेटिव ज्यादा चल जाता है। अगर मैं पॉजिटिव बताऊंगा तो इतना नहीं पड़ता, तो चैनल पे यही नेगेटिव बताओ तो ज्यादा लोग अच्छी बुरी सारी चीजें देखते हैं जब उनको कुछ लेना होता है। तुम जानबूझ कर करिश्मा में बुराई बताते हो। अब उसके बाद में तुम्हारा टैंक कितने लीटर का? 11। तुम्हारा 11 लीटर का, सेम 11 लीटर है। माइलेज तुम्हें तो चलो तुम्हें 150 दी दिए, तुम्हें 40-45 की माइलेज मिल रही है। 40 की मिल जाती है, माइल मिल जाती है, मेरे पास 30 की मिल रही है अभी। आपको 30 की मिल रही है, 200 सीसी की बाइक। दूसरा देखो ये पहले अभी अज्जू भाई ने बोला ना कि एग्रेसिव है ज्यादा, वो रियल फैक्ट है कि वो इतनी एग्रेसिव है कि वो आपको 10-15 किलोमीटर के बाद में वो पेन, अगर ट्रैफिक है तो, ट्रैफिक है तो, और ट्रैफिक में आपकी ये चीज दर्द करेगी जो कि इसमें नहीं है। मारने को तो इंसान लद्दाख भी मार जाएगा, वो थोड़े से टास्क बढ़ जाते हैं ना, वो एक चीज है कि आपको उस टाइम पीरियड के अंदर एक गैप लेना पड़ेगा, वो समय थोड़ा सा चाहिए कमर को हाथ पैर को सीधा करने के लिए। स्प्लेंडर ले लो। दूसरा भाई उतरो जरा, छपरी वाला फैक्टर तो नहीं कह रहे ना? नहीं यार ये वाला हो गया। नहीं चेक करो, आप दबा के चेक करो सीट है ना, 3 साल हो गए ना अभी, इसकी तो चेक ही नहीं करनी बेकार, उसके तो नहीं है दोनों सही। चेक करो, कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छी गाड़ी है। नहीं अब एक बार बताओ, हम अकेले अपने अकेले के लिए तो बाइक खरीदते नहीं, सही बात है, प्लेन तो बैठता है, ऊपर से फैमिली ब्रांड है तो फैमिली भी आएगी, चाहे वो फैमिली में दे हो और चाहे हो वो अपनी बंदी बंदी हो, है ना। क्या पकड़ा नहीं आरन भाई, मैं पकड़ा हो गया, अज्जू ब्लश कर रहा है, अज्जू ब्लश कर रहा है, पकड़ लिया। हाँ ये बात तो मान लो, ये तो हाथ में आ जाएगा, हमने तो बदलवाया भी, नित्तू का तो तीसरा है, वो मेरे तो तीसरा है, और भाई सिर्फ एक वो 1650 रुपए का है। वही भाई मेरे को पकड़ने के लिए हरेक चीज मिलती है। हाँ, और पता है क्या, जैसे हम लोग बाइक कभी मोड़ते हैं ना, कभी उठानी होती है या कोई दिक्कत होती है तो हमारे को ये पकड़ने को मिल जाता है। दूसरा अच्छा एक चीज मैं जानना चाहूंगा संजय भाई, पीछे अगर कोई बैठता है बंदा हैवी पर्सन या समय बांध देते थोड़ा सा वजन ज्यादा हो जाता है पीछे, पावर में कोई कमी लगती है? नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने एक 80 किलो के बंदे को बैठा के टेस्ट किया, मैंने कहा क्या कैसा रहता है पावर एकदम आराम। इस पे आप कुछ टिप्पणी? डाउन होगी भाई, ये तो जाएगी, ये तो जाएगी। ये आवाज मंदी कैसे हो गई? ये होनी लाजमी है, ये तो टूट जाएगा क्या? वो तो भाई जाना है, वो तो पक्का है। फिर वो माइलेज जो देते ना, क्या 45-40 की माइलेज आ रही है, कह रहे वो सारा पैसा तो इसमें चला जाएगा, वो पैसे यहाँ से बचा के फिर यही पता लगता है, यही जाएगा। ये तो है। दूसरा एक मिनट तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आपके साथ एक बंदा बैठ गया है विटोनी भाई जैसा, कम हो जाती है भाई, कितनी कम हो जाती है? अच्छी खासी पावर कम होती है, डेफिनेटली पावर कम होती है। लाइक अगर आप जैसे इसको अगर आप क्या कहते हैं, टॉर्क थोड़ा सा कम है उसमें, इसको अगर आप लोग हिली एरियाज में ले जाओगे वहाँ पे आपको चाहे दो बंदे बिठा लो, मैं कह रहा हूँ 3 भी बैठ जाएगा ना तो भी इसमें कोई पावर टॉक पावर पावर नहीं गिरती, इसमें डेफिनेटली आपको फील होगी। एक चीज तो और है हाईवे पे, जो इसका लाइट वेट होने का जो ये वो करती है, जब हम सही याद आया, तेज चलाते हैं हवा लगती है, ऐसा लगता पूरी वो जाके वो प्लैटिना चलाते हैं ना, प्लैटिना। हां जैसे मैं बताता हूँ क्या, जैसे मैं बताने चाहता हूँ क्या, जैसे जैसे एक मिनट, जैसे हम तेज स्पीड में चल रहे हैं, बगल में से किसी ट्रक को हमने ओवरटेक करा तो एकदम से हवा आती है बहुत तेज, गाड़ी लेफ्ट या राइट अपने आप निकल जाती है। यहाँ पर है क्योंकि ये इन दोनों बाइकों से 25 किलो भारी है। हाँ 25-28 किलो भारी है तो ये फायदा हो जाता है। अच्छा वाइब्रेशन वगैरह हीटिंग कुछ वगैरह आपकी गाड़ी में कुछ नहीं आया? नहीं आया वाइब्रेशन, हम टेस्ट भी कर चुके हैं हर बार। अच्छा समय के हिसाब से 3 साल हो गए, समय के हिसाब से बड़ा वाइब्रेशन? मुझे कुछ खास नहीं लगता, मतलब लाइक ऐसा है, लाइक एक बाइक जबकि तेरे में एग्जॉस्ट लगा है फुल सिस्टम। हाँ हाँ बस एक नॉर्मल वाइब्रेशंस होती है ना, वो बस वो है, उसके अलावा ऐसा मतलब चलाने वाइज आपको फील नहीं होता कभी भी। पर एक बात है इस वाली बाइक में ना आरवन भाई, मैंने एक चीज देखी है, मतलब आप बाइक खरीदो और भर भर के मॉडिफिकेशन करवा लो। हाँ ये तो है, वो तो इस पे भी आएंगे, चलो वो तो डेडिकेटेड है। इस पे अज्जू का थोड़ा सा कुछ अलग कहना है, अज्जू भाई कहता है कि वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन पता है वैसे नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब हम चलाते हैं ना भाई रियलिटी में, जबकि अज्जू का कहना ये भी है कि आरएस 200 से भी ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ भाई, वो तो बोलो, जब हम चलाते हैं ना उस टाइम पे तो इसके अंदर आरएस के मुकाबले भाई बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे जो हमने टेस्ट किया था भाई, टेस्ट के उसके अंदर भाई रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं, पैथलैब में अपने पानी का गिलास वोडका का वाला, ठीक है, जब किया था ना इसके अंदर उसका एक रीजन और हो सकता है, मैं बता दूं
जब हमने रखा था टैंक पे उसके अंदर क्या था प्रॉपर यहाँ पे एकदम वो था फ्लैट उस पे था और मैंने यहाँ पे रखा था, तो हो सकता है भाई थोड़ा सा वैसे रखने में। अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में चलाने में कैसी? प्रैक्टिकल लाइफ में भाई बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। नहीं मैंने तो चेक किया पर मेरे में तो है ना, मैंने चेक करवाया था, वाइब्रेशंस क्या है ना, हम लोगों ने टैन किया है भाई के व्यूज भी आए, वाइब्रेशन 3.5 लाख व्यूज है उसी पे। इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूं, वाइब्रेशंस का क्या है, इसका इंजन स्मूथ है, उसकी वाइब्रेशंस के पैनल्स में नहीं आती। इसका क्या है ना, इंजन तो ऐसे इसका भी बहुत स्मूथ है बट जैसे ये आपके जो ये पैनल्स है ना ये आपको ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, लाइक जैसे ये पैनल हो गया अभी देखो, हाँ चढ़ सी आवाज करते हैं, ये चीज है ना, ये चीज ये वाइब्रेट ये तो ज्यादा स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे हैं, काम का फीचर है इसमें, ये तो नेगेटिव फीचर है इसका। पर एक बात है, इससे तो अच्छा है, ये तो मैं देख ही लो, इससे तो अच्छा है। ये क्या है भाई? भाई सॉफ्ट प्लास्टिक कहते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक है भाई, वो सॉफ्ट गाड़ी गिर जाएगी ना तो बैंड हो जाती है। चलो ये टूटेगा हम तो दोबारा लगवा लेंगे, हाँ ये बात भी है, 300-400 रुपए का। अगर ये टूटा 2200 रुपए का, ये विंग ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चेंज होगा, ये पूरा ये होगा, गलती से ये टूट गया तो 800 रुपए। एक मिनट रुको भाई, बोलो आओ आओ, सब करिश्मा आ रही है, जब लॉन्च इवेंट करिश्मा आ रही है, TFT डिस्प्ले, TFT डिस्प्ले, नहीं नहीं यही चीज बोलने वाला था, जो मेरे पे आ रहा था ना, तो मैं यही चीज बोलने वाला था भाई, इसकी जो पहले नोकिया वाला फोन चलाया कभी? सेम डिस्प्ले भाई, वो सांप वाली गेम नहीं आती भाई, सुडोको कौन सी, धूप में जाते ना, धूप में जाने के यू करके चलाते थे उस फोन को, सेम है भाई। नहीं नहीं मेरे को ऐसा नहीं है कि धूप में आके विजिबिलिटी कम हो जाए अपनी, तो ठीक है, पर भाई साहब आपने 35,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं 150 cc की बाइक में, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दो। अच्छा मैं भाई क्या नाम है आपसे, मैं जानना चाहूंगा, मतलब सबसे जानना चाहूंगा, कल जो KTM को हटा के R15 और MT को एक जो छपरी वाला टैग चल रहा है उस पे आप तीनों का क्या कहना है, क्या क्या टिप्पणी है, आप बताएं शुरू से। भाई सबसे पहली बात तो ना, ये कौन है वो लोग, ये R15 वाला खुद है, वो कलर नहीं देगा पिंक वाला, ठीक है, अरे पिंक बना दे नाला कुछ नियॉन ग्रीन, अगर ये गाड़ी बहुत ज्यादा दिखेगी तो ये छपरी हो जाएगी, हाँ दैट्स द एग्जैक्टली। मैं तो बताना ना, देखो ये येलो कलर कंपनी ने दिया अच्छा लग रहा है, ये येलो कलर का हम इस पे करा लेते हैं, कितना अजीब लगेगा सोचो ना, कि बहुत ज्यादा अजीब लगेगा ये भी है। और आज के टाइम में ना, अच्छा एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, मतलब बताना चाहूंगा खुद भी, कि R15 वाले हार नहीं मानते भाई किसी से भी, चाहे सामने ड्यूक 390 हो, चाहे इंडेवर के पीछे लग गया हाईवे पे, वो 160 पे फ्लाई बाय मार गया, ये इंडेवर के पीछे लगा वही हार नहीं माननी भाई किसी से भी, चाहे वहाँ सामने डोमिनार चल रही हो, चाहे सामने कोई सी भी गाड़ी चल रही हो 400 cc सुपर बाइक को भाई सुपर संडे राइड में नहीं देखा, दर 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 पीछे लगे हैं। 150 cc बाइक को भगाने की सोच रहे हो, देखो एक बार ये अच्छा है कि 150 cc की है, ये जाती है 130-140, पावर भी अच्छी है, 150 cc के हिसाब से बहुत अच्छी है, पर पापा को बीट नहीं कर सकती ना। हाँ अरे पता सीन क्या है, अज्जू इमोशन हट कर दिया इन्होंने, तो सही यहाँ पर रीजन पता है क्या है, कि जैसे सपोज करके R15 अगर 155 cc की बाइक होती है और वो होती है 180 की, तो उसका ना कंपैरिजन 155, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं, प्राइस ऐसा है जिसकी वजह से हमें आज तक हमने उसका FZ से नहीं करा, वही चीज मैं बोल रहा हूं, Apache से नहीं करा, NS160 से नहीं करा, क्यों? क्योंकि वो बहुत अलग कैटेगरी है, उनको तो कच्चा खा जाएगी, उनको तो कच्चा खा जाएगी। बाकी हां भाई मैं एक चीज बोलूंगा, लुक्स के मामले में तो एनी टाइम एनी डे, देखो मॉड कराने के बाद, और एक चीज मैंने देखी, सिंगल सिलेंडर में R15 जैसी आवाज किसी में नहीं आ सकती, अगर कोई एग्जॉस्ट लगाता है, चाहे लोगों को बुरी लगे चाहे कैसी भी लगे, अगर आप कंपेयर करोगे सिंगल सिलेंडर में सबसे बढ़िया आवाज इसी की आती है। अच्छा हाँ चलो ये सब पे, हाँ देखो ये सारी चीजों पे लोग हो चुके होंगे यूज्ड टू, सबको पता है टायर उसके रेडियल है, दोनों सेम है, देखो ये है भाई जैपनीज कंपनीज, ये है इंडियन कंपनीज, खर्चा बताओ सर्विस का आप अपना, फिर ये दोनों अच्छा ठीक है, आप लोग बता दो आपकी R15 थी, आपकी फ्री सर्विस चल रही है, आप फ्री सर्विस बताएं, फ्री सर्विस वही 857, मतलब 900 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए मान लो मोटा मोटा, हजार मतलब 1000 के अंदर अंदर, 1000 के अंदर अंदर। आपकी पेड सर्विस बताएं आप, भाई मेरी पेड सर्विस में हाईएस्ट कितनी हुई है, हाईएस्ट वही 2000 रुपए के आसपास गई, 2000 से 2500 के, 2000 से 6000 बता रहे थे, 2500 के साथ, नहीं नहीं वो ना उसमें तो फिर वो डिस्पैट वगैरह, वो चैन सेट वगैरह, वो सारी डिस्पैट 1000 रुपए के यार, महंगी है गाड़ी, क्योंकि 10000 किलोमीटर, 300 रुपए, हां हां कर लो 350 रुपए, आप कुछ कहना चाहोगे जो 350 रुपए में गाड़ी की सर्विस होगी, जितने में आप तीन कराओगे उतने में वो एक करा, नहीं 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 350 रुपए सर्विस नहीं है, डिस्पैट, अरे डिस्पैट, और मेरे को लगा आगे क्या खाते हैं बचा, सर्विस सर्विस है, सर्विस 1100 ही है अभी, हां फिर तो भाई महंगी है, महंगी है, पर नहीं नहीं पर आएगी बजट में आ जाएगी,
अगर पेंट कराएंगे तो 1500 तो लगेंगे, क्योंकि इंडियन ब्रांड है, क्योंकि भाई इसके जो डिशपैड है या जितने भी पार्ट्स है वो कहते हैं बजट फ्रेंडली, बहुत महंगे हैं भाई, बहुत हर एक चीज। इवन आप इसका छोटा सा मिरर भी ले लो, ये 450-500 रुपए का है। ब्रेकिंग के मामले में 1100 रुपए का डिस्पैड है, सबसे ब्रेकिंग होती तो मेरे को संतुष्टि रहती है। बल्कि इन्हें आगे वाला महंगा करना चाहिए था, पीछे वाला सस्ता करना चाहिए था। आगे वाला अपना 450 का आता है, पीछे वाला लगभग 1100-1200 का आता है, भाई पीछे वाली ब्रेकिंग जीरो रद्दी, हाँ, और आगे वाली इतनी बढ़िया है, आगे वाली बहुत प्यारी है। चलो मेरे में तो ये है, पर ये इस बाइक की मैंने पूरी वायर चेंज करवाई थी, मतलब कंप्लेंट में डाल के वो भी ज्यादा मेरे को याद नहीं। तो भाई इन्होंने चलो मैं तो पैसे बता रहा हूँ यार, ये वाली कोई बात नहीं, मतलब मैं पैसे बता रहा हूँ ना। ये इधर ये देखियो स्कूटी जूम स्कूटी है ना भाई, ये स्कूटी है देखो, इस स्कूटी में दो दो हेडलाइट है, दो प्रोजेक्टर है ना। अब नहीं हो सकता ये चीज, क्योंकि अब गली में छह छह है, इंजन रिप्लेस होगा, इंजन रिप्लेस होगा इसका, और XMR का, XMR का बताओ, यही सब करने के लिए गाड़ी खरीदी थी, इतना पैसा लगाने के बाद, ये दो लॉन्डे।